अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATL लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज सिवान में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कांग्रेस के जाने माने लीडर कन्हैया कुमार आज सिवान पहुंचे हुए थे। एक सेमिनार का आयोजन था और उसमें बहुत सारी बातें भी हुई, कन्हैया से भी हमारी बातचीत हुई है। लेकिन अब हम बातचीत करेंगे जो इस सेमिनार के आयोजक थे, जिन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था इस आयोजन के लेकर के। तो फजले हक साहब हमारे साथ हैं। सर, कैसा रहा आज का आयोजन? आज का आयोजन बहुत अच्छा रहा। ये आयोजन हम लोगों ने किया देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, और देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके बाद नई नई कुरीतियाँ बन रही हैं, संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, संविधान के विपरीत दिशा में चलने की कोशिश की जा रही है और उसको लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और ये वर्तमान सरकार के ज़रिए किया जा रहा है। उन्हीं चुनौतियों का सामना, जैसे महंगाई है चरम सीमा पर, आप रोका नहीं, आप वादा करके चले आए। आपने रोज़गार के सिलसिला में कहा कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, आपने 1% भी रोज़गार नहीं दिया। ये चुनौती है देश के आगे। देश में जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उसको धीरे धीरे करके आप प्राइवेट एजेंसीज़ के हाथ फरोख्त कर रहे हैं। तो इस तरह से देश में आप जब सरकारी संस्था ख़त्म कर देंगे तो फिर सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो बेरोज़गारी तो और बढ़ेगी। इसी संबंध में हम लोगों ने कन्हैया जी को बुलाया, चूँकि कन्हैया जी ही उनके प्रवक्ताओं का सही अप्रोप्रिएट जवाब देते हैं, इसलिए हमने सिवान में बुलाया कि सिवान में आएंगे, यहाँ के लोगों को बताएंगे ताकि लोग भी सीखें और उस तरह का जवाब देना सीखें। आज कन्हैया ने मंच से एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम सिर्फ जिले में नहीं, गांव-गांव में इस आंदोलन को आगे लेके जाना चाहते हैं, ताकि सब लोग जाने समझे कि हम क्या चाहते हैं, हमारा अधिकार क्या है। अधिकार को लेकर के क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है, खास करके बिहार में? कांग्रेस इसके लिए तैयार है। कन्हैया को लाने का मतलब ही है, बिहार से कन्हैया बिहार से ही हैं, तो बिहार से हैं और सिवान की धरती से हम लोगों ने जो ये शुरुआत किया तो इसकी चर्चा दिल्ली तक है कि सिवान में ये चर्चा हो रही है, और सिवान से इन लोगों ने बिगुल फूंक दिया है, शुरुआत कर दिया है, कन्हैया को लेकर बुलाया है। पहला सभा है पूरे हिंदुस्तान में। अब इस तरह का ये एक मॉडल बनेगा और इसी तरह पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, हर जगह, हर गाँव, हर। तो कुल मिला के अंतिम सवाल हमारा ये कि आज जो कन्हैया का यहाँ आगमन हुआ था सिवान के आपके सेमिनार में, ये कितना सफल रहा, कितना सफल? हमारे नज़र से तो बहुत सफल रहा। अब आप लोगों की नज़रिया से, पत्रकार लोगों की नज़रिया से, मीडिया की नज़रिया से क्या है वो लोग बताएं। चलिए, आपने देखा कि कांग्रेस के पुराने लीडर फजले हक साहब से बातचीत हो रही थी आज के इस सेमिनार को लेकर के, जहाँ कन्हैया कुमार जैसे वक्ता मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, उनके स्पीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कन्हैया ने जो आज संदेश दिया है कि ये सिर्फ जिले में एक सेमिनार से नहीं, गांव-गांव में इस आंदोलन को वहाँ लेके जाने की ज़रूरत है, तब जाके जो ये जो फासिस्टवादी ताकतें जो आज देश पर काबिज हैं इनको आईना दिखाया जा सकता है। तो आज का, जैसे कि हमने सवाल फजले हक साहब से पूछा कि कैसा रहा ये सेमिनार, तो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा रहा, और वाकई अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ से कन्हैया ने देश को एक धागा में पिरोने का संदेश दिया है, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं देश के मान और स्वाभिमान के लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाले जो हमारे 24 के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु।